तो आईपीएल 2022 में एक बार फिर से होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला, जो इस टूर्नामेंट की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला है। और मैदान पर उतरने वाली है ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स और श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स। दिल्ली कैपिटल्स जहां अपने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के सामने नो बॉल की बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करके इस मैच में आ रही है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत बहुत खराब है और वो अपने चार में से लगातार चार मैच हारकर अपनी प्लेइंग 11 का पूरा संतुलन बिगाड़ चुके हैं और उनके लिए ये विन मैच है। और इस वीडियो में उससे पहले कि हम बात करें कि किसका पलड़ा इस मैच में भारी है, हमारा फैन मीटर ऑलरेडी अपने प्रेडिक्शन दे चुका है और 54% से यहां पर जनता की आवाज जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है, वहीं 46% वाले कह रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को जीतने की बड़ी दावेदार है। अब क्या मैं जनता के साथ हूं या मेरा ओपिनियन अलग है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले पूरी तरीके से करते हैं इस मैच का विश्लेषण। तो कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मैच खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और वानखेड़े स्टेडियम में अब लगातार एक के बाद एक फटाफट मैचेस खेले जा रहे हैं और हर मैच में उनकी पिच का रंग भी खूब तेजी से बदल रहा है। इस मैच में पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन शुरुआत में यहां पर तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी। एवरेज स्कोर वानखेड़े पर है 167 इन दिस आईपीएल और जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला कर सकती है। वानखेड़े के मैदान पर आप सोच रहे होंगे कि कभी स्पिनर्स को मदद मिलने लगती है, कभी तेज गेंदबाज को मदद मिलने लगती है, कभी 220 बन जाते हैं और कभी 150 बनने के भी लाले लग जाते हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि सिर्फ ग्राउंड को नहीं बल्कि अलग अलग पिचों को भी हमें देखना पड़ता है। और मुझे लगता है कि आगे चल के ऐसा डेटा भी आएगा कि जितने टर्फ आपने बना रखे हैं उस टर्फ के हिसाब से कितने रन बन रहे हैं और हर कप्तान उस हिसाब से भी फैसला करेगा। क्योंकि कल हमने देखा जिस तरीके से गुजरात टाइटंस और यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के बीच तो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिली लेकिन आखिरी में रन भी खूब बने। ऐसे में यहां भी पिच अपना रंग कई बार बदल सकती है। अब अगर दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो यहाँ पर दोनों टीमें आमने सामने 31 बार आई हैं, जिसमें से 16 बार बाजी मारी है केकेआर ने, वहीं 14 बार दिल्ली को जीत मिली है। एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल सका और लास्ट के 5 मैचों में से 3:2 के रेशियो से कोलकाता नाइट राइडर्स आगे है। हालांकि इस टूर्नामेंट में ब्रेबॉर्न के मैदान में पहले भी ये दोनों टीमें आमने सामने आ चुकी हैं और भैया उस मैच में पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी की खूब पिटाई की थी। हालांकि अब केकेआर फिर से टीम साउदी को अपने सेटअप में ला का है। मैंने अपने कई वीडियोस में कई बार बोला कि कोलकाता नाइट राइडर्स की जो गेंदबाजी है वो आगे चल के उनको कई मैचेस हरवाने वाली है और उनकी बल्लेबाजी भी कमजोर है। तब मुझे कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस ने बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, वो उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं और कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 को तलाश नहीं कर पाई है। वहीं अभी तक इस आईपीएल में दोनों टीमों का सफर तकरीबन एक जैसा रहा है, लेकिन जहां दिल्ली कैपिटल्स अपने कई स्टार प्लेयर की गैर मौजूदगी से जूझ रही है, वहीं कोलकाता अपनी प्लेइंग 11 में नहीं जमा पाई है और दिल्ली कैपिटल्स कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा बेटर पोजीशन में है कोलकाता नाइट राइडर्स से। इस टूर्नामेंट में अभी तक दिल्ली कैपिटल्स ने 7 मैचों में से 3 मैच में जीत दर्ज की है, 4 में उन्हें हार मिली है और उनके 6 अंक है। वहीं केकेआर को 8 मैचों में से 3 मैच में जीत मिली है, 5 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और लगातार 4 मैच हार कर वो इस मैच में एंट्री मार रहे हैं। ऐसे में दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर केकेआर। वहीं दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक कई धुरंधर हैं, तो हमें कई की बैटल्स यहां पर देखने को जरूर मिलेंगे। पहला की बैटल होगा दिल्ली कैपिटल्स के डेविड वार्नर और केकेआर के सुनील नारायण के बीच। डेविड वार्नर ने सुनील नारायण की 115 गेंदें खेली हैं, जिसमें उन्होंने 177 रन बनाए हैं और 2 बार सुनील नारायण उन्हें आउट करने में कामयाब हुए हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के दूसरे पॉकेट साइज हीरो यानी कि पृथ्वी शॉ के सामने भी सुनील नारायण की चुनौती होगी और पृथ्वी शॉ ने सुनील नारायण की 27 बॉल्स में 45 रन बनाए हैं और सुनील नारायण अभी भी उन्हें आउट करने में कामयाब नहीं हुए हैं। यानी कि सुनील नारायण जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के बेस्ट बॉलर हैं इस टूर्नामेंट में, उनके सामने अब यहां पर चुनौती है दिल्ली के इन दोनों धुरंधरों को, इन दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजों को आउट करने की। नए बॉल से उमेश यादव भी डेविड वार्नर को आउट करने के लिए सबसे बड़े तुरूप के इक्के हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के पास। जब से उमेश ने विकेट लेना बंद की है तभी से कोलकाता नाइट राइडर्स की किस्मत भी चमकनी बंद हो गई है। उमेश यादव के 56 बॉल्स पर डेविड ने 85 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन 4 बार उमेश यादव ने डेविड वार्नर का शिकार किया है। ऐसे में
हैं उमेश यादव इस रिकॉर्ड में थोड़ी सी और बढ़ोतरी करना चाहेंगे। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों के सामने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज होंगे। ऐसे में कुलदीप यादव गेंदबाजी करेंगे केकेआर के सबसे बेस्ट बल्लेबाज यानी कि कैप्टन श्रेयस अय्यर को, और श्रेयस अय्यर के सामने कुलदीप यादव ने 39 बॉल्स में 60 रन खर्चे हैं, लेकिन एक बार श्रेयस अय्यर को वो आउट करने में भी कामयाब हुए हैं। और पहले मैच जो इन दोनों के बीच खेला गया था इस टूर्नामेंट में, उसमें कुलदीप यादव ने ही श्रेयस अय्यर को आउट किया था। ऐसे में कुलदीप यादव अपनी पुरानी टीम केकेआर के सामने अपने उसी प्रदर्शन को दोबारा से दोहराने के लिए उतरेंगे। वहीं मुस्तफिजुर रहमान के सामने होंगे रसल द मसल, जिनके ऊपर कोलकाता नाइट राइडर्स गेंद से बल्ले से हर तरह से डिपेंड करती है। और आंद्रे रसल के सामने मुस्तफिजुर रहमान ने 14 बॉलों में 20 रन खर्च किए हैं और एक बार वो रसल को आउट करने में भी कामयाब हुए हैं। याद आता है एसआरएच के लिए उनके लिए वो कमाल की यॉर्कर जब उन्होंने रसल को मारी थी 2016 के सीजन में, लेकिन उसके बाद से मुस्तफिजुर और रसल का इतना ज्यादा सामना नहीं हुआ। लेकिन आखिरी के ओवरों में जब रसल बल्लेबाजी करने आएंगे तो दिल्ली कैपिटल्स गेंद थपाएंगी मुस्तफिजुर को, एंड दीज आर द की बैटल्स। द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन दिस मैच इज गोइंग टू बी डेविड वार्नर। मैंने आपको कई बार बताया है कि डेविड वार्नर का बल्ला कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने खूब चलता है, और पिछले मैच में भी वही मेरे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर थे और कमाल की बल्लेबाजी भी उन्होंने की थी। कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 25 मैचेस में डेविड ने 976 रन बनाए हैं इन 673 बॉल्स विद स्ट्राइक रेट ऑफ 145, और वानखेड़े की विकेट उनको काफी राज भी आ सकती है। केकेआर उनको वैसे भी काफी पसंद है, एंड ही इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। अब अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए यहां पर ओपन करते हुए दिखाई देंगे डेविड वार्नर एंड पृथ्वी शॉ। वहीं नंबर 3 पर होंगे ऋषभ पंत, देन रोमन पॉवल, सरफराज खान, ललित यादव, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान एंड खलील अहमद। अलरेक नौरकिया की फिटनेस पर अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है, तो हम यही मान करके चल रहे हैं कि नौरकिया इज नॉट येट फिट, विच इज अ काइंड ऑफ अ बिग ब्लो फॉर दिल्ली कैपिटल्स। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 पूरी तरीके से मैसअप हो चुकी है, हर मैच में झोली भर भर उनके चेंजेस हो रहे हैं, तो उनकी प्लेइंग 11 प्रोबेबल बताया ना यहां पे थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। लेकिन मुझे लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए हमें ओपन करते हुए दिखाई देंगे यहां पर अजिंक्य रहाणे के साथ सुनील नारायण, देन श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, सैम बिलिंग्स, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, टीम साउदी, शिवम मावी, उमेश यादव एंड वरुण चक्रवर्ती। वेंकटेश अय्यर को आपने बहुत मौके दिए और हो सकता है अब आप उनको ड्रॉप करने के लिए फोर्स हो जाओ यहां पर। एरॉन फिंच अगर फिट हैं, क्या वो सैम बिलिंग्स की जगह आएंगे, क्या फिर आप शेल्डन जैक्सन को लेकर के आओगे? पैट कमिंस को आपने ऑलरेडी बाहर कर दिया है, तो आप मिडिल ओवर्स में मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो आंद्रे रसल के ऊपर। सैम बिलिंग्स को क्या आप मिडिल ऑर्डर में खिलाओगे? क्या आप एरॉन फिंच को मिडिल ऑर्डर में खिलाओगे? श्रेयस अय्यर का इंटेंट क्या होगा? नीतीश राणा क्या करेंगे? ओपन कौन करेगा? बहुत ही ज्यादा मैसअप है केकेआर की प्लेइंग 11, और अब देखना होगा कि वो क्या बदलाव करते हैं। अब अगर दोनों ही टीमों से तीन तीन की प्लेयर्स के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ के साथ डेविड वार्नर एंड कुलदीप यादव आर गोइंग टू बी द की प्लेयर्स फॉर दिल्ली कैपिटल्स। शुरुआत अच्छी करनी होगी दिल्ली कैपिटल्स को। ऋषभ पंत का नाम भी मैं यहां पे डालना चाहता था, लेकिन मैं कुलदीप यादव के साथ जा रहा हूं। मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को थोड़ा सा यहां पर और उसी तरीके की परफॉर्मेंस देनी होगी जैसे उन्होंने केकेआर के खिलाफ पिछले मैच में दी थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यहां पर तीन की प्लेयर्स होने वाले हैं श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल एंड टीम साउदी। टीम साउदी बहुत ही अच्छी लय में लग रहे हैं और उनको ऊपर से तो विकेट चटकाना ही होंगे, साथ ही में डेथ बॉलिंग में भी रसल का थोड़ा सा साथ देना होगा। रसल को एक बार फिर से अपना वो बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना होगा अगर केकेआर को अपनी उम्मीदें जिंदा रखनी है इस टूर्नामेंट में, और श्रेयस अय्यर को वही करना होगा जो वो अभी तक करते आ रहे हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से अच्छे रन बनाने होंगे। एंड दीज आर माई की प्लेयर्स। अब अगर अंत में यहां पर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स टूर्नामेंट में वापसी करने वाली है या फिर दिल्ली कैपिटल्स 2 पॉइंट्स और लेकर पंजाब की बराबरी कर लेगी, तो देखिए जितना मैं कोलकाता नाइट राइडर्स को इस मैच में जीतते हुए देखना चाहता हूं, नॉट एज अ फैन बट एज अ स्पेक्टेटर, क्योंकि अगर केकेआर इस मैच को हार जाती है तो तकरीबन उनको अपना बोरिया बिस्तर पैक करने की नौबत आ जाएगी। वो चेन्नई और मुंबई के साथ उसी कतार में जाकर के खड़े हो जाएंगे जो प्लेऑफ की रेस से तकरीबन बाहर हो चुके हैं 99%, और ऐसा अगर आप टूर्नामेंट के 10 मैच कंप्लीट होने से पहले ही हो जाता है तो फिर ये टूर्नामेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं तो यहां पर चाहता हूं कि केकेआर जीते, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो 170 से 190 के बीच रन बनाएगी, जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगी, और अंत में दिल्ली कैपिटल्स हमें यहां पर जीतती हुई दिखाई देगी। तो ये मेरा ओपिनियन है। मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में तो है ही है, लेकिन
थोड़ी सी बैलेंस दिखाई पड़ती है कोलकाता नाइट राइडर्स से, क्योंकि उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 पूरी तरीके से बर्बाद करके रखी है ना। उन्होंने ऑक्शन में अच्छा काम किया था और अब उनके खैर मैनेजमेंट का भी यहां पर थोड़ा सा उनको दोष देना भी बनता है। बट दिस इज जस्ट माय प्रेडिक्शन एंड माय ओपिनियन। आपका प्रेडिक्शन, आपका ओपिनियन, आपका एनालिसिस क्या कहता है सबसे इंपॉर्टेंट। जो भी आपका ओपिनियन हो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।